लोग चाहे सिंघू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे, के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं, मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं, आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था एक दिन, मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर, सारी आम आदमी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई और पाकिस्तान के एजेंट हैं ये जो किसान बैठे हैं ना, तो ये जितने नेता और ये जो जो लोग कह, और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में, एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया, गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में है और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो यहां सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, यह कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, यह कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया, महंगाई बढ़ना ठीक है, करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में, मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है, दाल करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था
और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो दो दो तीन तीन साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे, कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर एक साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है, अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। तो चार साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी, 16 गुना महंगी चार साल के अंदर, समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो यह पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, यह मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे, लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए, किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर जो बैठे हैं वहां पे, इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है, आज इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की